गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइज कि मैंने अभी अपने फेस पे कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया हुआ है। दिस इज माय बेयर स्किन। और वीडियो में जाने से पहले लेट मी टेल यू गाइज, मुझे आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना है। हम जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो प्रोडक्ट जाके परचेज करना है। कंपलसरी है आप लोगों के लिए कि वो आप जाके परचेज किए। हमने आपको गन पॉइंट पे रख के बोला है कि नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। ऑल राइट, सो मुझे अभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छा आपने ये प्रोडक्ट बताया उसके बाद आप ये बता रहे हो एक्ने के लिए। सो मेरा बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स, और वो सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स मुझ पे सूट करते हैं। और आपने देखा होगा कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक्ने हो गए थे और मैं एक का दो प्रोडक्ट ट्राई कर रही थी और वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं किया, मुझ पे बिल्कुल भी काम नहीं किया। सो वो मैंने प्रोडक्ट स्टॉप कर दिया। सो मैं क्या करती हूँ, अगर जो प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं करता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले मैं वो सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे टेस्ट करती हूँ, अपनी स्किन पे टेस्ट करती हूँ, एंड देन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड जरूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रोडक्ट खरीदना है। आप आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप वो जाके परचेज कीजिए, आपके जो बजट में आता है। सो हमारी रिव्यू करने का मतलब यही है, हमारे प्रोडक्ट दिखाने का मतलब यही होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस कि बोलते हैं लोग कि हम लोगों को ब्रांड्स पैसे देते हैं अच्छा रिव्यू करने के लिए। सो लेट मी टेल यू गाइस कि मुझे अब तक कोई भी पेड स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है ब्रांड की तरफ से। और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं अपने खुद के पैसे से खरीदती हूँ एंड देन मैं रिव्यू करती हूँ। और अगर पेड स्पॉन्सरशिप होगी भी तो आई विल बी जेन्युइन, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही बोलूंगी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी बोलूंगी, मैं सिर्फ प्रोज के बारे में ही बात नहीं करूंगी। ओके, सो मुझे ये चीज क्लियर करनी थी। एंड आई थिंक इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, सो मैं आपको प्रोडक्ट का नाम बताना भूल ही गई। सो यहाँ पे मेरे पास है ये गुडल वाइटा सी सेट जो मुझे मैक्रन ब्यूटी ने सेंड किया है। ये जो ब्रांड है गुडल, ये एक कोरियन ब्रांड है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो कोरिया में बनते हैं और कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने इसके कुछ रिव्यू वीडियोस भी देखे हैं एंड बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने इसके बारे में सुनी है। और उन्होंने अभी उनका ये जो ब्रांड है ये इंडिया में लॉन्च किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं। सो ये है विटा सी क्रीम सेट, और इस सेट में आपको क्या मिलता है लेट मी शो यू गाइस। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है उसकी पैकेजिंग। नाउ पैकेजिंग काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, येलो कलर की पैकेजिंग है ये। सो इसमें आपको मिलती है ये विटा सी क्रीम, और ये स्मॉल सैम्पल साइज ट्यूब है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत छोटी सी है ये, 5 ml की है ये, और इसकी ये बड़ी साइज है। सो ये है आई थिंक 50 ml की, यस। सो ये है 50 ml की ट्यूब, और साथ ही में मुझे यहाँ पे उनका ये डार्क स्पॉट सिरम मिला है, और ये भी सैम्पल साइज है, ये 5 ml का ट्यूब है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ ये जो ट्यूब है ये है विटा सी डार्क स्पॉट सिरम। नाउ बेसिकली ये है ग्रीन टैंजरिन विटा सी डार्क स्पॉट सिरम, इसमें है 70% ऑफ टैंजरिन और वाइटामिन सी सिरम है, तो अगेन वाइटामिन सी बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके फेस के लिए, यू गाइस ऑलरेडी नो। और मैं काफी सारे वाइटामिन सी जो सिरम है मैं वो यूज कर रही हूँ, बट लास्ट 15 to 20 days से मैं सिर्फ यही यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसको टेस्ट करना था। और ये बहुत छोटी सी है और यू नो ये आपको आराम से 15-20 days तक चल जाएगी, तो इतना क्वांटिटी आपको इस छोटी सी ट्यूब में मिलता है क्योंकि आपको बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है और आपको आपके फेस पर अप्लाई करना होता है। नाउ ये जो सिरम है डार्क स्पॉट सिरम, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी लाइक है, जेल एंड वाटर के बीच में इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। सो अगर आप ऑयली स्किन टाइप के हो तो भी आपको बहुत अच्छे से सूट करने वाली है ये। और जैसा कि ये बोल रहा है ये डार्क स्पॉट सिरम है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा, नो, आपको काफी टाइम तक यूज करना पड़ेगा उसके बाद आपको विजिबल डिफरेंस दिख सकता है। बट मैंने इसे 15 to 20 days यूज किया, तो जो चीज मैंने नोटिस की है वो है मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्सचर हो गया था ये वाले एरिया में, ये वाले पोर्शन में और यहाँ पे भी, तो इस सिरम ने वो टेक्सचर को काफी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प किया है। और जहां तक बात रही डार्क स्पॉट्स की,
तो डार्क स्पॉट्स में मुझे एकदम स्लाइट चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे कुछ मिराक्युलस चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज अगेन 15-20 डेज ही हुआ है और ये जो ट्यूब है ये खत्म भी हो गई है मेरी। सो आई थिंक मैं इसको वापस परचेज करूंगी एंड देन मैं ट्राई करूंगी कि ये एक्चुअली कैसा काम करती है। बट ओवरऑल जब मैंने इसे यूज किया तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरी स्किन जो है वो काफी अच्छी लग रही थी, मुझे फ्रेश लग रही थी, ग्लोई लग रही थी। और ये जो सीरम है बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस पे। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव भी है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। नाउ ये जो सीरम है ये आपको बिल्कुल भी टिंगलिंग सेंसेशन नहीं देगा। आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले का प्रॉब्लम क्या होता है, वो विटामिन सी सीरम या फिर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अगर आप आपके फेस पे यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो उस टाइप की इरिटेशन आपको नहीं होने वाली है, आप ट्राई कर सकते हो ये सीरम। नाउ रही बात ये क्रीम की, तो ये है विटामिन सी क्रीम और इसमें है विटामिन ई, और इसकी आप पैकेजिंग देख सकते हो, पंप पैकेजिंग में आती है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे पंप पैकेजिंग वाली क्रीम काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर मैं इस क्रीम की बात करूं तो इस क्रीम का टेक्सचर लाइट येलो है और इसमें आपको छोटे छोटे ऑरेंज कलर के बीड्स दिखेंगे, वो है विटामिन सी के कैप्सूल। नाउ ये जो क्रीम है ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि इससे मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह पे काम किया और मेरे डार्क स्पॉट्स को हटा दिया, नो ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रीम है इससे मेरे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट किया। नाउ इसमें विटामिन सी एंड विटामिन ई दोनों है, तो विटामिन ई का काम होता है आपके फेस को मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना, और विटामिन सी का काम होता है आपके फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन होगा उसको रिमूव करने का। तो अगेन मैंने इस क्रीम को सिर्फ 15-20 डेज ही यूज किया है और मुझे स्लाइट डिफरेंस पता चला। मैं ये जो दोनों प्रोडक्ट है मैं ये दोनों साथ में यूज करती थी, विटामिन सी क्रीम और ये सीरम, तो साथ में ये काफी अच्छा काम किया है। और अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन टाइप्स की तो ड्राई स्किन वालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्रीम है वो आपको इतनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं लगेगी बट अगेन आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और ज्यादा थिक नहीं है, ज्यादा थिन नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर मैंने मेरे फेस पे सिर्फ ये क्रीम वेयर की है और मैं यहाँ पे देखूँ तो बिल्कुल भी मुझे टैकी नहीं लग रहा है, चिपचिपा नहीं लग रहा है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। और एब्जॉर्ब होने के लिए भी इसको बस 30-40 सेकेंड लगता है अच्छे से एब्जॉर्ब होने को, एंड या आपको बहुत अच्छा स्किन मिलेगा, आपको बहुत स्मूथ दिखेंगी आपकी स्किन और बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा। और इस क्रीम के ऊपर अगर आप मेकअप वेयर करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। नाउ अगर मैं बात करूँ विटामिन सी की, तो लोग बोलते हैं कि इसको डे टाइम में यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी सन के एक्सपोजर में आके उसका असर खत्म हो जाता है। बट आजकल जो विटामिन सी मिलते हैं मार्केट में वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो आप इसे दिन में यूज कर सकते हो। बट आपको सनस्क्रीन वेयर करना इम्पोर्टेंट है, आपको सनस्क्रीन हमेशा ही वेयर करना चाहिए। बट अगर आप विटामिन सी सीरम या फिर विटामिन सी क्रीम यूज भी कर रहे हो तो आपको ऊपर सनस्क्रीन वेयर करना ही चाहिए और सनस्क्रीन इज कम्पल्सरी, सनस्क्रीन के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको दिन में वेयर करना है विटामिन सी तो यस आप बिल्कुल वेयर कर सकते हो डेफिनेटली, बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप सनस्क्रीन यूज कीजिए। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है अराउंड 1700 रुपीज। आई नो एक्सपेंसिव है बट ये एक कोरियन ब्रांड है और आजकल कोरियन प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा छाए हुए हैं मार्केट में, आजकल नहीं काफी टाइम से कोरियन प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा छाए हुए हैं। और ये जो क्रीम है उसका टेक्सचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैंने आज तक इस तरीके की क्रीम मैंने कभी यूज नहीं की, मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा एंड डेफिनेटली मैं इसका ये जो सीरम है मैं ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ आगे, एंड आई लेट यू नो गाइस कि कैसा वर्क करता है ये। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई रियली होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, बाय।